हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपके मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो जॉब आई है वो आई है IIT मंडी की तरफ से। तो नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। चलिए देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या है। नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया है कि जो पोस्ट है वो 8 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसियां हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी वो रहेंगी 43। ओपनिंग डेट फॉर्म की है वो है 5 मई 2021। में जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन भरने की वो रहेगी 4 जून 2021। अब जो नंबर ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 8 अलग अलग पोस्ट निकाली है। पहली है टेक्निकल ऑफिसर की, जिसका पे स्केल 56,100 से लेकर 1,67,500 रहेगा। सेकेंड जो पोस्ट है वो रहेगी स्पोर्ट्स ऑफिसर की। थर्ड पोस्ट रहेगी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की। फोर्थ पोस्ट रहेगी जूनियर सुपरिटेंडेंट की। फिफ्थ पोस्ट रहेगी जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा की। सिक्स पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर सिविल की। सेवन्थ पोस्ट है आपकी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट टेक्निकल की। वहीं जो लास्ट जॉब है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट की, जिसके लिए आपको मिलेंगे 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BTech होना चाहिए मैकेनिकल या प्रोडक्शन में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। आप जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में। वहीं आप जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास किसी भी फील्ड में बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 55% के मार्क्स के साथ, प्लस होना चाहिए आपको 8 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर स्टूडेंट की बात करें राजभाषा में, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, साथ ही आपके पास हिंदी या इंग्लिश डिग्री लेवल पर दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी होने चाहिए। जूनियर लेवल इंजीनियर की बात करें सिविल में, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल की 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड का। वहीं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, जो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। और लास्ट में जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, साथ ही आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जितनी पोस्ट हैं वो IIT मंडी के लिए रहेंगी, साथ ही जो आपकी जॉब रहेगी वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा पहले 5 साल के लिए। एप्लीकेशंस जो है आपको अपलोड करनी है सेल्फ अटेस्ट करके, जिसमें आपका एक्सपीरियंस पेड ऑन डिटेल्स होंगी, आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा और लेटेस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा OBC वालों के लिए। और अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप ज्वाइनिंग के लिए आते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करने होंगे। साथ ही कैंडिडेट जो अपना एक्सपीरियंस सबमिट करेगा उसे कंपनी के प्रॉपर फॉर्मेट में आपको ये सबमिट करना होगा, यानी कि आपको कंपनी के लेटर हेड पे अपना एक्सपीरियंस लेटर शेयर करना होगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ इशू, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क, आपने कितने टाइम के लिए काम किया, आपकी क्या डेजिग्नेशन रही और आपको क्या आपकी पे स्केल था, वहाँ पे सभी प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये का आवेदन शुल्क आपसे लिया जा रहा है, जो कि SBI बैंक में सबमिट किया जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इन डेटा को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही में किसी प्रकार के फेलियर के लिए अगर आपका रिजेक्ट होता है फॉर्म, तो उसके लिए IIT मंडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, साथ ही आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करता है तो आपको हर पोस्ट के लिए इंडिविजुअल सेल्फ अटेस्टेड अपने सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स सबमिट करने होंगे और आपको फ़ीस भी हर किसी के लिए अलग अलग भरनी होगी। साथ ही जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय हैं या फिर PSC में काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम पे शो करना होगा। तो आज की जॉब में इतना ही। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जल्दी से अप्लाई कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।